मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग आए हुए हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने। आज तारीख है 30 दिसंबर और सुबह का टाइम हो रहा है 7। काफ़ी ठंडे मौसम में और हम लोग आज गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाएंगे विद फैमिली। हम लोग आए हुए हैं, हम यहाँ स्टे किया हुआ हमने आज, और अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमने के बाद। बाकी आज अभी थोड़ी देर में नहा धो के गोवर्धन महाराज के रुद्राभिषेक में जाएंगे, उसके बाद हम निकलते हैं। गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी हुई है, उसके बाद हम गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाएंगे, आपको लाइव दर्शन कराएंगे आज परिक्रमा का। बाकी शुरुआत करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में नहाने के बाद। नहा धो के हुए रेडी, अब हम निकलेंगे परिक्रमा के लिए। हम सभी लोग तैयार हैं, कुछ लोग हमारे साथी वहाँ पे हैं फैमिली वाले, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। आपको दर्शन कराते हैं आज गोवर्धन परिक्रमा के। नई साल आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत तरक्की हो, दिन दुनी रात चौगनी आपकी तरक्की हो। गिरिराज महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें अपने अपने घरों में, आपका काम बहुत चले। हम लोग निकल चुके हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए, सब लोग हमारे साथ हैं। हम यहाँ से गोवर्धन जी जाएंगे, उनका रुद्राभिषेक होगा, फिर हम उनकी परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। राधाकुंड, और राधाकुंड में हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी लोग दर्शन कर रहे हैं राधाकुंड के। मैं आपको राधाकुंड का व्यू दिखाता हूँ, ये राधाकुंड है, यहाँ पे सभी लोग दर्शन करने के लिए रुके थे अभी, तो मैं आपको राधाकुंड का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही शांति, बहुत ही साफ स्वच्छ ये राधाकुंड है। राधा कुंड के दर्शन हो गए हैं, राधा कुंड के दर्शन के बाद हम लोगों ने परिक्रमा शुरू कर दी दोबारा से। आपको ये दिखाते हैं परिक्रमा मार्ग, सभी लोग दर्शन कर। सरकार पता नहीं क्या दे दे, वो
बरसाने वाली है। इनके सामने तो तुम कह रहे हो तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उस श्री जी के पहुंचते ही दरवाजे पर क्या सुने मेरी करुणा जी। परिक्रमा का समापन हो गया था, पूजा अर्चना मैंने आपको दिखाई गोवर्धन महाराज की। आज हमने छोटी परिक्रमा समाप्त की है, कल सुबह हम बड़ी परिक्रमा करेंगे और ठंड काफ़ी बढ़ गई है मौसम में। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं।